असलकम व्ल वक् उम्मीद है कि आप सब खैर खैरवाफियत से होंगे इन शह तज हम पारा सय्कू सूरतलब सफ़र नंबर चौंतीस आयत नंबर एक सौ अट्ठावन पढ़ेंगे आदि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी आधी हम इन शी आज पढ़ेंगे पहले हम वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं फिर उसके बाद उजराकारी पढ़ेंगे सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और स्वाब के लिए से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपसे ये भी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वाच कीजिए चलिए सबक आगाज़ और तस्मे की तलावा से करते हैं بسم الله الرحمن الرحيم فلا جناح فلا جناح عليه عليه ان يَطَّوَّفَ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَكِيرٌ شَكِيرٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ चलिए जरा एक पढ़ते हैं फा के ऊपर जबर है बगैर खेचे पढ़ेंगे फा लाम के ऊपर जबर है आगे अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा है एक अलिफ की मकदार खींच कर पढ़ेंगे। ला फला जिम के ऊपर पेश है बगैर खेंचे पढ़ेंगे। जबर जेर पेश को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं एक तो इसे खेचेंगे नहीं जू दूसरा से झटका नहीं देंगे जो तीसरा से मजहूल नहीं पड़ेंगे जो इसे मारूफ मुतवस तरीके से पढ़ेंगे बगैर खींचे पढ़ेंगे जो नून के ऊपर ज़बर है आगे अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा है एक अलिफ की मकदार खींचकर पढ़ेंगे ना हाँ के ऊपर ज़बर है बगैर खींचे पढ़ेंगे हाँ को हलक के दरमियान से अदा करेंगे हाँ जूना आइन के ऊपर जबर है बगैर खेचे पड़ेंगे आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे आइन को अदा करते वक्त गले को प्रेस करेंगे गले को दबा कर पड़ेंगे जैसे आ आ आम के ऊपर ज़बर है आगे या साकिन है ये ये लीन है ऐसे नर्मी और जल्दी से अदा करेंगे लई इसे आलए है इस तरह करके बाज़ लोग पढ़ते हैं ऐसे नहीं पढ़ना आ लई हा के नीचे जेर है बगैर खेचे पढ़ेंगे ही हा को सीने से अदा करेंगे आई ही हम जह के ऊपर जबर है आगे नून साकिन है नून साकिन के बाद या मुशद आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम नाकिस होगा ईदगाम ना किस किसे कहते हैं ईदगाम करते वक्त पहले वाले हर्फ की आवाज़ बाकी रहे यानी पहले वाले हर्फ की सफ्ट बाकी रहे जैसे आई, आई। देखिए नून की आवाज़ नून की आवाज़ बाकी है यानी नून की सिफ्ट बाकी है ऊपर ज़बर है आगे कौम शद है या को तौ से मिलाएंगे या को त से मिलाएंगे मुशद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है और तौ जो है रुफ मुस्तालिये में से है मोटादा होगा यक यक आक तो के ऊपर जबर है आगे व मुशदत है तो को व से मिलाएंगे तव आक वह के ऊपर जबर है फा के ऊपर ज़बर है दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे वह को अदा करते वक्त होठों को गोल करेंगे वाफा वाफा तो वाफा, तो वाफा। तो फा के नीचे जेर हा के नीचे जेर दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे बीही मीम के ऊपर जबर है आगे अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा है एक अलिफ की मकदार खींच कर पड़ेंगे आगे देखिए तो की अलामत आ गई से वक्फ मुतलक कहते हैं तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे स्टॉप करेंगे आफा तो वफ़ा बिहिमा अलिफ मद्दा वाऊ मद्दा या मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है इसमें कोई तब्दीली नहीं आती तो देखिए कलमे के आखिर में अलिफ मद्दा है तो इसका वक्फ और वसल एक है वाऊ के ऊपर ज़बर है बगैर खेचे पड़ेंगे मीम के ऊपर ज़बर है आगे नून साकिन है मीम को नून से मिलाएंगे नून साकिन के बाद हरूफे एकफा के पंद्रह हरूफों में से ता आ रहा है तो नून साकिन में एकफा होगा साकिन और की इकफा को इकफा की कहते की इसमें नून का कुछ हिस्सा जाहिर होता है कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है जैसे मन मन अब देखिए मैं कैसे पढ़ रही हूँ मन देखिए, अब मैं गुना कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज मुकम्मल नाक में चली गई है लेकिन जब हम एक करेंगे इसमें नून का कुछ हिस्सा जाहिर होगा और कुछ हिस्सा छुपा हुआ होगा जैसे ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे ता कौ के ऊपर ज़बर है आगे वह मुश्द्द है कौ को वह से मिलाएंगे, कौ जो है रूफ इस ताला में से है मोटादा होगा तव त तव वह के ऊपर ज़बर आइन के ऊपर ज़बर दोनों को बगैर खींचे पड़ेंगे को अदा करते वक्त होटों को गोल करेंगे आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे आ आवा खे के ऊपर जबर है आगे या साकिन है ये जयलिन है ख को या से मिलाएंगे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे खाह रूफ मुस्ताला में से है मोटा अदा होगा खवा की आवाज़ खुरदरी होती है जैसे खॉई खॉई रॉ के ऊपर दो जबर की तनवीन है दो जबर की तनवीन के बाद हरूफ एकफा के पंद्रह हरूफों में से फा आ रहा है तो यहाँ तनवीन में एक होगा एक्फा हकीकी होगा और बीच में लाम अलिफुल्ला कीत है तो यहाँ पर हमने रुकना नहीं है क्योंकि मतलब बिगड़ जाता है तो यहाँ पर सीधा हमने कंटिन्यू करना है तो बीच में एक करना है कैसे रौन खई फा के ऊपर जबर बग़ैर खर्चे पड़ेंगे फा हमजा के नीचे जेर है आगे नून मुशदत है हमजा को नून से मिलाएंगे नून मुशद्दत में एक तरफ की मकदार गुना होगा गुना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है थोड़ी देर जो हम आवाज़ को रोकते हैं नाक में उसे गुना कहते हैं जैसे इन फा इन नोट के ऊपर जबर है आगे अल्लाह का लाम है नून को अल्लाह के लाम से मिलाएंगे अल्लाह का लाम जबर आने की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा जैसे नल नल लाम के ऊपर खड़ा जबर है एक की मकदार खेच कर पड़ेंगे खड़ा जबर खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ़ मद्दाह के कायम मकाम होते हैं इनके में कोई फ़र्क नहीं होता इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है जैसे फाइन ना के ऊपर जबर है बगैर खेचे पड़ेंगे हा को सीने से अदा करेंगे हा मिलाकर पढ़ते हैं शीन के ऊपर जबर है आगे लिफ खाली है ये लिफ मद्दा है एक लिफ की मकदार खींच कर पड़ेंगे शीन को अदा करते वक्त इसकी आवाज फैलती हुई महसूस होगी जैसे शा काफ के नीचे जेर बगैर खींचे पड़ेंगे की जेर को मज़हूल होने से बचाएंगे के।, के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना की रॉ के ऊपर दोपेश की तनवीन है तनवीन के बाद हरूफ़ हल्की के छः हरूफ़ों में से आइन आ रहा है तो यहाँ बीच में इजहार होगा तनवीन में इजहार होगा यानी एक फागुना कुछ भी नहीं होगा तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे शाह की तो कायदे का नाम क्या हुआ इजहार हल्की आइन के ऊपर ज़बर है बग़ैर खींचे पड़ेंगे आ लाम के नीचे जेर है आगे या साकिन है ये या ये मद्दा है एक लिप्ट की मकदार खींच कर पड़ेंगे ली मीम के ऊपर दो पेश की तनवीन है गुना होगा मुन आली मुन आगे देखिए कोर सर्कल आ गया इसे आयत के इसे ताम भी कहा जाता है तो यहाँ पर हमने स्टॉप करना है वफ़ करना है रुकना है वक्फ की हालत में मीम के दो पेश ख़त्म हो गए मीम साकिन हो गई वक्फ हुआ वक्बिल अस्कान मीम को हमने आरजी सुकून दिया या मद्दा के बाद आरजी सुकून आ गया तो यहाँ बनी, मद आरजी सुकून इस मद को दो ढाई और पाँच अरीफ की मकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं उम्मीद है कि आपको उजराकवा से अच्छा पढ़ना आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार पढ़िए ताकि आपको जराकवा से भी अच्छा पढ़ना आ जाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखना अल्लाम वरहमतुल्लाहि वरहि